तो सर आपकी यहाँ सांसुर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती कौन सी पहली रही, कहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे? मैं 98 में फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा था। उस टाइम तो बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे, और मतलब वो 10-20-25-50 लोग होते थे मैक्सिमम। धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा कर नहीं यार जुड़ना चाहिए, फिर इस मामले में केसराम जी, नरसिंह जी परियार, जितने भी पहले रहे, पतुराम जी खुद रहे, अध्यक्ष रहे, तो सर आप यहाँ पे काम करते रहे, फिर आपकी मतलब सामाजिक कार्यों में जाने की या सामाजिक लोग आपको कैसे मिले, आपको ढूंढने पड़े या फिर खुद ही आपके पास चल के आए, क्या रहा? तो मतलब आपकी सामाजिक कार्यों में यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से लोकल लोग जुड़ने से फिर ये कड़ी कैसे शुरुआत हुई, अब आप यहाँ तक पहुँचे हो, अब का सफ़र और वहाँ से सफ़र में कितना फ़र्क है? मैं 9 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। 14 अप्रैल से पहले भी आप अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उसमें 2 समितियां बनी हुई थी, सगनलाल जी अरणाई भी जुड़े हुए थे, आप भी थे, तो मतलब ये बिखराव कैसे हुआ? सुना आपका पहले हुआ था, फिर उनका हुआ था, 2 टुकड़े कैसे हुए थे? आपने SC ST की भी वो करवाया था प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें भी विरोध हुआ, उससे पहले मेघवाल समिति ने ही करवाया था, तो लेकिन ये मतलब कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे मतलब कहा कि मैं SC ST का करवा सकता हूँ, वो सिर्फ मेघवाल ही करवा रही थी? पहले सर आपने जन सुनवाई भी करी थी, तो काफ़ी लोगों का आरोप है कि जन सुनवाई तो सरकार का काम है, डॉक्टर सर आपके लिए तो मंदिरों में नहीं, लेकिन आप पे तो मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, विरोध जो करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज लिखते रहते हैं कि आप RCC से जुड़े हुए, इनको अम्बेडकरवाद का पता ही नहीं है, कैसे अध्यक्ष बना दिया, कहाँ का है, यहाँ का लोकल नहीं है, तो मतलब RSS ज्वाइन की जो बातें चल रही थी वो एक मतलब अफवाह है, सरासर गलत है। आज तक मैं किसी भी RSS के प्रोग्राम में जाके इतना तिलक लगाए ना निकर पहना मैंने। हाँ मेरे मित्र जरूर हैं, मित्र तो हर कोई और मित्रता है, हाँ मैं यही मोटिव था कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो रात को जो बहस होती है आप उसमें खामोश रहते हैं, लेकिन बहस वो देखी नहीं जाती कि समाज की आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे पर्सनल तौर पे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन सर फिर मैं वापस इसी अध्यक्ष सेवा समिति पे आता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी अंबेडकर जयंती से पहले, जहाँ पर गणेशनाथ जी महाराज ने इस दोनों समिति को खारिज कर दिया था, तो वो दूसरे सगनलाल जी के पक्ष के थे, वो उन्होंने वो खारिज कर दिया कि हम नहीं अध्यक्ष, लेकिन वो आपके जो पक्ष के हैं लोग वो अभी भी आपको अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष मान रहे हैं, इसका क्या है? सर कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि सागर साहब जन चेतना यात्रा भी कर रहे हैं, अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष लगातार बने रहते हैं, इनको इलेक्शन लड़ना है, राजनीति करनी है, इसलिए ये सब लोगों का श्रेय मांग। फाइनली सवाल लास्ट है, अब ये बिखराव जो हो रहा है, अब कब आप पहल करोगे कि इन सबको साथ लेके चला जाए, जो रात को अक्सर व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ होती है, मैसेज होते हैं? तो आपने कहा कि गणेशनाथ जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने आपकी जब बातें मानी तो क्या लग रहा है, उन्होंने क्या बोला कि इन सबको इकट्ठा करना सही और फिर से मतलब अंबेडकर सेवा समिति का पुनरुप किया जाए? जो ये 14 तारीख का जो प्रोग्राम किया, मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये मुझे नहीं पता था, मैं वहाँ से प्रोग्राम से यहाँ आ चुका था, मुझे वहाँ कॉल करके बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आइए, वकील साहब नरेंद्र जी डांगरा हैं, उनका भी फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप आओ। आज हमारे साथ डॉक्टर सागर साहब जुड़े हुए हैं, हम उनसे सोशल सामाजिक की बात करेंगे कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन समाज में भी जाकर समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो हम अपना परिचय भी कराएंगे क्योंकि लोग कम जानते हैं, फिर भी पहचान तो है आपकी, लेकिन जो हमारे दर्शक दूर दूर के हैं वो भी आपसे परिचित हो जाए। देखिए साहब, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश सागर है, 26 साल हो गए मुझे सांचौर में आए हुए, 26 साल जी। इससे पहले बहुत गरीबी के दिन भी हमने देखे हैं, साधारण परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। जब सांचौर में पहली बार आया तो मुझे मकान किराए नहीं दिया गया जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सांचौर में आज भी मैं डॉक्टर होते हुए अगर मेरे साथ ये स्थिति है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। सर पीछे से कहाँ से हो वो भी? मैं बचपन से, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जिस दिन पहले दिन उस ज़माने में 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता था स्कूल में, और जब मैं स्कूल गया
तो मुझे उस स्कूल में टाट पट्टी पे नहीं बैठने दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम उस पूरी क्लास में शायद 30-35 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे ऐसे थे जो हम SC ST के थे, उनको टाट पट्टी पे नहीं बैठने दिया जाता था। तो मैं घर पे आके जब मैंने मेरे पिताजी को बोला कि पापा वहाँ तो टाट पट्टी पे नहीं बैठने दे रहे हैं, तो पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है कि ये व्यवहार इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो स्कूलों में ना जाए, वो अपने आप को जलील महसूस करे, तो इससे अच्छा बेटा ऐसे व्यवहार से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार करे उसका आपको उचित जवाब देना है। मतलब आपका संघर्ष जमीनी से है, शुरुआत से क्लास से ही संघर्ष शुरू हो गया था। तो उस परिस्थिति में मेरे पिताजी ने मुझे एक नई टाट पट्टी दी और मुझे ये कहा बेटा तू तो बैठ ही बैठ, चार को दूसरों को बैठा, और इससे ही जागरूकता आगे बढ़ेगी और जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए आज तक उन अधिकारों का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमी है। जितने लोग जागरूक हो गए उन्होंने दूसरों को जागरूक करने का बीड़ा ही नहीं उठाया, उन्होंने अपना फायदा लिया, चुप बैठे, गुलामी करी, और उसका नतीजा ये रहा कि जो भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे BJP आए, चाहे कोई भी सरकार आई, हमारी बात को गौण कर दिया गया जो हमारी जिनेइन बातें थी। उन परिस्थितियों को जब स्कूल में झेला, उन परिस्थितियों को लड़ते हुए जब हम कॉलेज में आए, तो स्कूल से कॉलेज का सफ़र भी वैसा ही सफ़र था। कॉलेजों में भी जितने बच्चों को फेल किया जाता है ज़्यादातर वो SC ST के होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये मंदबुद्धि बच्चे हैं। मेरा जब एडमिशन हुआ था तो जनरल कोटे और रिजर्व कोटे में 2% का फर्क था मात्र, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट बनता था उस रिजल्ट में SC ST लिखा जाता था। मैंने उस कॉलेज में उस लिस्टों में से वो नाम हटवाया कि साहब आप हमें पास मत करिए लेकिन आप इंटेंसली फेल मत करो। ये जो लिस्टें बनती है SC ST क्यों लिखा जाता है, जब मेडिकल कॉलेज में 50% वाला पास होता है तो ये क्यों लिखा जाता है, आप इसे हटाइए सर। उसका नतीजा ये रहा कि जब तक मैं कॉलेज में रहा, जो कॉलेज में हमारे SC ST लिखा जाता था एग्ज़ाम में, उस एग्जामिनर से हटवाया, आज वो वापस शुरू हो गया। आज बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, वो इस बात को नहीं उठा पाए कि हमारे जो कोटे की सीटें थी, जो जनरल सीट को कम्पीट करके स्टूडेंट्स आते थे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो कम से कम हर साल 150 बच्चे कम आते हैं। क्योंकि अब अगर आपने रिजर्व कोटे में आपने भरा है तो चाहे आप भले टॉपर हो, आप रिजर्व कोटे में काउंट हो गए। उससे पहले जो भी आप अगर जनरल कोटे से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो तो आप वो जनरल में काउंट किया जाता था। इस चीज़ को हमारे जितने भी नेता बैठे, मैं बड़े मुझे शर्म आती है कि वो अपनी बात 100% इतने प्रेशर से क्यों नहीं दे पाए, न लोकसभा में न विधानसभाओं में, किसी भी जगह पे इस बात को क्यों नहीं उठाया गया। अगर सारे नेता पार्टी को भूलकर एक होकर अगर इस बात पे अड़े रहें कि जो जनरल सीट को, जो जनरल में टॉप कर रहा है, आप सोचिए IAS में टॉप कर रहे हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। जहाँ हमारे थ्योरी में 100 में से 100 मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल में 100 में से 50 भी नहीं दिए जाते, तो उस 100 में से 100 में मार्क्स लाने वाले की क्या टैलेंट होगा। हमें उस टैलेंट की कदर करनी पड़ेगी। आज समाज में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें उस समाज के टैलेंट की कदर करनी पड़ेगी और उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर हम पीछे के साथ थे लेकिन आपने पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया, फिर यहाँ तक सांसुर का सफ़र कैसे रहा। मैंने जब स्कूल में पढ़ते थे 11th क्लास तक दीपावली की छुट्टियों में लोगों के घरों में जाके सफ़ेदी करते थे, वो जो सफ़ेदी के पैसे आते थे कलर के, वो ले जाके मदर को देते थे। हमारा बड़ा परिवार था, 7 भाई थे, 2 बहनें थी।
बुआओं के बच्चे वगैरह सारे हमारे घर रहते थे। तो इतने बड़े परिवार में मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, इतने सक्षम नहीं थे कि वो उस पूरे परिवार को पाल पाए। तो हम जो चार भाई बड़े थे, हमने ये डिसाइड किया था कि हम परिवार में क्या सहायता कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में हम आइसक्रीम बेचते थे, लस्सी का ठेला लगाते थे। जोधपुर के जालोरी गेट में सबसे अच्छी लस्सी हम बेचते थे। लेकिन 2 साल बाद हमें उस लस्सी की दुकान को इसलिए बंद करना पड़ा कि मैं रिजर्व कैंडिडेट था। लोगों में ये बात फैला दी गई कि ये एक शेड्यूल कास्ट बेच रहा है, तो इससे नहीं खरीदी जाए। मतलब आपकी आइसक्रीम का ठेला बंद करा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सब्जी का धंधा शुरू किया। हम 3 भाई सब्जी का धंधा करते थे और 6 दूसरे लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया कि 6 ठेले और बनवाएंगे, होलसेल माल लाएंगे। मुझे बड़ा गर्व है मेरे भाइयों पे। पूरे जोधपुर के जितने भी मंडी के नींबू होते थे वो पूरे नींबू हम खरीदते थे। किस तरीके से उस चीज़ को हमें कैप्चर करना है कि लोग हमारे पास आए। जोधपुर में हमारे सिवाय कोई नींबू नहीं बेच सकता था, पूरा ट्रक का ट्रक हम खरीद लेते थे। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हम 3-4 भाई मिलके ये काम करते थे। उसका नतीजा ये रहा कि आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप होती है और वो उस स्किल का नतीजा 9th में मेरे भाई साहब ने हम 3 भाइयों को अलग अलग सब्जेक्ट दिलाया, एक को कॉमर्स दिलाया, एक को मैथमेटिक्स दिलाई, मुझे बायोलॉजी दिलाई कि एक डॉक्टर बनो, एक इंजीनियर बनो, एक वकील बनो, ताकि आप लोगों को किसी से जाके सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़े। उस टाइम 9th में इतनी समझ नहीं थी। भाई साहब ने जो कहा, मेरे बड़े भाई जो हमारी बदकिस्मती जिन्होंने हमारे परिवार को पाला, इंजीनियर थे, एक हादसे में उनकी डेथ हो गई, वो हमारे परिवार का बहुत बड़ा लॉस था कि पूरे परिवार में एक बंदा जो सबसे समझदार, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी में, और वो दुनिया छोड़ के चला जाए। उस झटके से उबरने के लिए हमने 3 भाइयों ने मिलके पिताजी के साथ बैठ के, हाँ, हमारे पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई के अलावा क्या करेंगे, कितना पढ़ोगे। तो उन छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में हम आइसक्रीम बेचते थे, लस्सी बेचते थे, और सर्दियों की जो छुट्टियाँ आती है दीपावली में, उसमें घरों में जाके हम सफ़ेदी करते थे। तो वो संघर्ष, और उस संघर्ष से जब हम खड़े हुए और आज मेरे परिवार में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सभी हैं। मेरी भाभियों ने उन बच्चों को इस बात पे डराया कि आप देखो, ये चाचा से सीखो, इस परिवार से सीखो कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो संघर्ष करना पड़ता है आपको, और जो संघर्ष करता है, मैं नहीं मानता कि वो कभी असफल हो सकता है। तो वहाँ से आपकी शुरुआत यहाँ तक आई? वहाँ से शुरुआत आई, फिर मैंने एक जोधपुर में नर्सिंग होम स्टार्ट किया था, MBBS करने के बाद वो किया था मैंने 92 में। और ऐसे इलाके में किया था जहाँ खूब सारे प्रैक्टिशनर्स थे, पाकिस्तानी, बड़े हॉस्पिटल्स भी थे। तो लोगों ने मुझे ये कहा कि यार इस गरीब इलाके में क्यों खोल रहा है। मैंने कहा 2 रुपये फीस लूँगा, 2 रुपये फीस लेता था मैं, कुल इलाज 5 रुपये में कर देता था। मेरे कई डॉक्टर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बड़ी मजाक उड़ाई। मैंने कहा यार जो पैसे वाला होगा वो तो हॉस्पिटल बड़े में चला जाएगा और कहीं जाके इलाज करा देगा, लेकिन इस गरीब बस्ती में जो प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, मैं इनका प्रॉपर इलाज करना चाह रहा हूँ 5 रुपये में, सेवा के लिए। वो सेवा का जज्बा, हाँ, पैसे वाले जो पेशेंट आते थे मेरे कई, उनसे 20 रुपये लेता था, लेकिन साधारण जो मरीज है गरीब बस्ती के, उनसे 2 रुपये लेता था। किसी को घर जाके देखता था, उस जमाने में मैं 100 रुपये लेता था, जबकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर की फीस 30-50 रुपये फीस थी। तो ये संघर्ष इस तरीके से मैंने मेरे जीवन में किया, और उसका नतीजा ये रहा कि जब सेल्फ मेड अब आप आगे बढ़ते हो, मैंने मेरे परिवार से, मेरे फादर से मैंने कभी भी फीस नहीं ली होगी मेरे पूरी पढ़ाई के दौरान। उसकी वजह ये थी कि अगर मेरा जैसे जयपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मैंने 120 रुपये में वहाँ रूम किराया लिया, क्योंकि जूनियर को वहाँ हॉस्टल में रैगिंग वेगिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरे टीचर्स ने सब ने कहा कि हॉस्टल में मत जाओ। मैंने
खूब रिक्वेस्ट करी थी प्रिंसिपल से, साहब पैसे ही नहीं है मेरे पास, प्राइवेट में कहीं रूम लेने मेरे घर से मेरे पैसे नहीं आ सकते, क्या करूँगा कि बेटा रैगिंग होगी, परेशान हो जाएगा। उस परिस्थिति में 120 रुपये मैंने एक रूम किराया लिया था, लेकिन उस मकान मालिक के दो बच्चों को मैं ट्यूशन कराता था 60-60 रुपये में, और 120 रुपये उनसे मैं मेरे मकान का किराया देता था, उस रूम का किराया। आज भी मुझे याद है कि जिस जगह मैंने रूम लिया था मेडिकल कॉलेज के पीछे था, बाथरूम में गेट भी नहीं था, पर्दा लगाया हुआ था, और अंदर खांसी करते करते नहाना पड़ता था, खांसी करते करते उस टॉयलेट में जाना पड़ता था। लेकिन मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं है, हमने हर परिस्थिति का सामना किया, और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद, बाबा साहब के आशीर्वाद कि उन परिस्थितियों को हमने अपने अनुकूल डाला। लेकिन सर, जोधपुर से यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे पहचान हुई, फिर सामाजिक काम में अभी आए? देखिए, जोधपुर में मैं 98 में मेरा नर्सिंग होम था जोधपुर में, और उसको मैं बंद करके USA चला गया था। वहाँ हमारे एड्स फाउंडेशन का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में गया था, और वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी USA की जो मैंने देखी, मेरे जितने भी सीनियर जूनियर जो भी गए हुए थे उन सब लोगों ने मुझे ये कहा था कि यहाँ आने के बाद वापस कोई नहीं जाता। मैंने मेरे पिताजी से जब बात करी कि पापा इस प्रोग्राम में मैं जाना चाह रहा हूँ, और US गवर्नमेंट मेरे पैसे दे रही है, मुझे स्पॉन्सर्ड हो रहा है, मेरा एक भी जेब से पैसा नहीं लग रहा है, तो अगर आप कहें तो जाके आऊँ। मैंने मेरे हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स ने पासपोर्ट बनवाए थे, मैंने नहीं बनवाया था। तो सब लोगों ने कहा तूने पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा पासपोर्ट बनाऊँगा तो मेरे मन में इच्छा है कि विदेश जाने की, और जेब में तो पैसा नहीं है तो क्यों पासपोर्ट बनाऊँ। लेकिन किस्मत की बात कहूँ या पता नहीं, 5 दिन में मैंने पासपोर्ट बनवाया, USA का वीज़ा मिला, और मैं 7वें दिन में USA चला गया था। 2 महीने मेरा वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उस 2 महीने के बाद मुझे वहाँ खूब ऑफर्स मिली थी, उस 98 में 60 लाख रुपए, जो मैं आज भी 60 लाख रुपए यानी कमा रहा हूँ। लेकिन तब मैंने मेरे पिताजी से बात करी, और पिताजी ने एक बात कही कि बेटा तू दुनिया की कोई दौलत खरीद के लाए, तेरा जाने का उद्देश्य क्या था? तू ये कह के गया था कि यार मैं सीख के आऊँगा, और वो जो मैं सीख के आऊँगा वो गरीब लोगों में जाके मैं हेल्प करूँ या उनकी कुछ सेवा करूँ, और तेरा जो बचपन से जज्बा है सेवा करने का, स्कूल में भी थे तो मैं NSS में था, तो NSS में हम कैंप्स लगाते थे, कई जगह सफेदियाँ करनी, वो करनी, कई जगह नालियाँ साफ करनी। हम हमारे मोहल्ले की 5-7-10 बच्चे इकट्ठे होके नालियाँ साफ करते थे सप्ते में, हर संडे को। सब लोग हंसते थे कि यार ये क्या काम कर रहे हो, ये काम तो स्वीपर का होता है, हरिजन का होता है। आज अगर मैं मेरे घर में सफाई नहीं रखूँगा तो गंदगी मुझे ही झेलनी है। मन में ये भाव था कि यार मैं मेरे से शुरुआत करूँ, 2-4-10 उस तरीके से हमारे मोहल्ले में और भी लड़के जुड़ते गए, और उसका नतीजा ये रहा कि जिस जगह मेरा नर्सिंग होम था उस जगह, उस रोड पे लोग बैठ सकते थे, इतनी साफ रहती थी। सब लोगों को लाके मैंने डस्टबिन दिए थे कि आप इस डस्टबिन में कचरा डालिए, नीचे मत फेंके, जो नीचे फेंकेगा 50 रुपये जुर्माना। तो जागरूकता तो देखो हमारे जो आइडियाज़ हैं हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आज ज़्यादातर लोग सलाह तो आपको दे देंगे, लेकिन उस सलाह को साकार कैसे करना है, साकार कैसे करना है, वो आपको ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जब साथ रहोगे तब पता चलेगा। मैं कईयों को कह दूंगा आप तू नशा छोड़ दे, लेकिन वो नशा क्यों कर रहा है? मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, जो मैंने कई लोगों के नशे छुड़वाए बिना दवाई के। मैंने उनको एक चीज़ समझाई, देखो दवाई दूंगा मैं, कमीशन की दवाई नहीं लिखता हूँ, उसके बावजूद भी मेडिकल में तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, इससे अच्छा तुम आधे घंटे मेरे पास आना, मैं बताऊँगा तरीका क्या है उसको छोड़ने का। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं एज ए डॉक्टर इस काम को बखूबी कर रहा हूँ। जितने नशे वाले लोग आते हैं उनको बिना दवाई के मैं उनको समझा बुझा के उनको हिम्मत बता, हिम्मत की ज़रूरत होती है। जितने नशे करने वाले लोग कमजोरी में नशा करते हैं, और उसका फ़ायदा ये रहा कि वो ज़्यादातर गरीब लोग अपने ही लोग हैं,
तो सर सांसुर में कौन से सन में आए, फिर कैसे सामाजिक में आप आए, क्या दौर रहा वहाँ? मैं साहब 97 में यहाँ आया। 97 में। हाँ, एक डॉक्टर शमशेर जी हैं, उनका जो अभी थाना है उसके सामने होटल था, जो होटल बन रहा था उसको हमने हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था। और चूंकि मुझे वापस 98 में यूएस जाना था, मैं वहाँ से जब ट्रेनिंग करके आया और पिताजी को कहा कि पापा वहाँ 60 लाख रुपए मिल रहे हैं और आप अगर कहो तो मैं 2-4 साल रुक के आऊँ, तो फादर ने, मेरे एक सीनियर के फादर एक्सपायर हो गए थे डॉक्टर के, और वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे और वो उनकी मृतक पे भी नहीं आ पाए थे, डेथ हो गई थी उनके पिताजी की। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा देख, वो तेरा सीनियर है, यूएसए में है, तू भी यूएसए जा रहा है, उसको टिकट नहीं मिली और वो अपने पिताजी के उसमें मौत पे भी नहीं आ पाया, तो अगर तेरा यही उद्देश्य है कि पैसा कमाना है आप जाओ, और अगर तेरा उद्देश्य सेवा करना है तो जाने की क्या जरूरत है। तब मैंने कहा पापा मेरा जो हॉस्पिटल का सामान था वो मैं सारा सारा मेरे दोस्त को दे चुका हूँ बिना पैसे के। आज की ये स्थिति है कि अब मुझे वापस इस्टेब्लिश करना है तो मैं कैसे करूँगा, क्या यार ये तो बड़ी विडम्बना है, अब तू क्या कर सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं, जहाँ किस्मत में लिखा होगा। उस दौरान मेरा फ्रेंड था डॉक्टर विजय बालानी, जो मेहता हॉस्पिटल में काम करते थे, और मेहता हॉस्पिटल वालों से उनकी कुछ अनबन हुई, उनको निकाल दिया था वहाँ से। निकालने के बाद उन्होंने मेरे से बात करी कि यार तू अभी वापस अगर यूएसए नहीं जा रहा है तो तू मेरे साथ आ, थोड़ा सांचोर मेरी हेल्प कर। मैंने कहा आ जाता हूँ, लेकिन 3 महीने बाद मुझे जाना है, क्योंकि मेरा वीज़ा सारा सब कुछ हो चुका है और 3 महीने बाद मुझे जाना है। लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी। उन 3 महीनों में मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे ये कहा कि बेटा तू किस चीज़ से संतुष्ट है। मैंने कहा सेवा से, क्योंकि मैं यूएस जाके भी वहाँ उन चीज़ों में नहीं रम पाया। मेरे ज़्यादातर डॉक्टर्स और फ्रेंड्स जो थे वहाँ के, शाम को वो हर सैटरडे को कैबरे डांस में जाना, जुआगर में जाना, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल होती है। मैं दारू पीऊँ नहीं, मैं नॉन वेज खाऊँ नहीं, तो बड़ी विडम्बना थी मेरे लिए कि उस माहौल में रहना। पिताजी को मैंने कहा मैं 2 महीने वहाँ सब कुछ सीख के आ गया, मुझे कैसे काम करना और क्या काम करना है, कि तो बेटा यहीं करो। और वो जो दौर था, मैंने मेरा वो सारा हॉस्पिटल का सामान जो सांचोर हॉस्पिटल के नाम से शुरू किया था, वो सारा हॉस्पिटल का सामान उनको दे दिया था। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा और आया मैं इस शर्त पे, एक टाइम खाना खाता हूँ, मुझे एक टाइम खाना खिला देना। वो रूटीन आज भी जारी है? और वो रूटीन आज भी जारी है। तो वो एक जुनून था। लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल आप शहर के बाहर खोल रहे हो, कैसे चलेगा? अगर हमारी नीयत अच्छी है चलेगा। हमें दूसरे सांचोर हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था 97-98 में किया था हमने, तो उस दौरान ये था कि यार मैं एक MBBS हूँ, मुझे कम्पीट किससे करना है जो डिग्रीधारी लोग हैं। लेकिन मेरे जो टीचर्स रहे, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट रहे, चाहे कोई भी रहे, जितने भी फिजिशियंस वगैरह रहे जो मेरे टीचर्स, उनसे इतना सीखा था कि आप कुछ भी काम कर सकते हो। और उसका नतीजा ये रहा कि मैं एक MBBS होते हुए भी इस जगह पे इतना स्ट्रगल करके, मकान नहीं दिया, मकान नहीं मिला, फिर भी ये था कि चलो ये मेरे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकार किया। मकान मतलब किस लिए नहीं मिला, जाति के आधार पर या फिर? जाति के आधार पर, क्योंकि मैं रिजर्व कैंडिडेट था। लोगों ने जैसे मुझे पूछा, ठीक है डॉक्टर साहब देख लो आप मकान, फिर पूछा जाति क्या है, मैंने कहा साहब SC कैंडिडेट हूँ, तो साहब SC को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि साहब दारू पीने वाले, नॉन वेज खाने वाले होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं खाता पीता। हाँ, 6 महीने बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने मुझे मकान में, एक फिर जैन परिवार के मकान में रहता था, और उस मकान के जो मकान मालिक और मालकिन थे, उन्होंने मुझे बेटे की तरह रखा, बहुत प्रेम दिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि वो सांचोर में दोसियावास में मकान था, और उस पूरे परिवार ने मुझे एज ए फैमिली रखा। किसी दिन अगर मैं खाना नहीं बनाता था तो वो मैं उनको माता जी कहता था, वो मुझे खाना बना के खिलाती थी। ये मेरी कुछ नसीबी रही।
फिर सर आप यहाँ पे काम करते रहे करते रहे, फिर आपकी मतलब सामाजिक कार्यों में जाने की या सामाजिक लोग आपको कैसे मिले, आपको ढूंढने पड़े या फिर खुद ही आपके पास चल के आए, क्या रहा? कि जो भी मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते थे जिनके साथ मुझे लगता था कि मारपीट हुई है या किसी का मर्डर हुआ है और वो अपने लोग हैं, वो लड़ नहीं सकते, मैंने कई जाति के आधार से, तो मुझे ये लगा कि यार इन लोगों के साथ कौन खड़ा होगा। कोइंसिडेंटली जब मैं आया तो शमशेर जी, डॉक्टर शमशेर अली जी हैं, वो मेरे अच्छे मित्र थे, और राव साहब जो हैं, राव साहब के बच्चे का जो शंभू सिंह जी दांतिया वाले थे उनके बच्चों के, इनके एडमिशन मैंने जोधपुर में कराए थे जब मैं जोधपुर में था 96 में। तो वो जो रिलेशंस थे इनसे सब लोगों से, मुझे लगा कि मैं इन सब लोगों को थोड़ा समझा के, जो अपने लोगों के गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता है, जो उसको कहीं ना कहीं तो थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर हमने ऑफिसर्स क्लब बनाया, एक ऑफिसर्स क्लब बनाया, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। एसडीएम साहब को हमने प्रेसिडेंट बनाया, मुंशी मजिस्ट्रेट साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। ये ऑल कास्ट मिलके? वो सारी कास्ट थी उसमें, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे हमारे मीणा साहब थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे अनिल आर्या जी। तो ज़्यादातर उसमें जो हमने अपने रखा, अपने हैंडल किया, वो ज़्यादातर रिजर्व कैंडिडेट थे, क्योंकि अक्सर ये था कि अत्याचार तो गरीब और जो वास्तव में जो नीचे का शोषित कौम है उसी के साथ हो रहा है, और हमारा उद्देश्य यही था कि यार किसी तरीके से इन लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे इनको जागरूक किया जाए। तब मैंने फिर गांव में कैंप्स करने, गांव में लोगों से मिलना, जितने लोग मेरे संपर्क में आते थे उन सब लोगों को एक ही देते थे कि यार अगर कोई बच्चा गरीब है, होशियार है पढ़ने में, सांचौर की जितनी भी स्कूल्स हैं इन सारी स्कूलों में मैं जो गरीब बच्चे होते थे जो फीसें नहीं दे सकते थे उनकी फीसें भरता था, सारे प्रिंसिपल्स को, सारे स्कूल के मालिकों को कह रखा था अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, फीस नहीं दे सकता है, आप उसे जलील मत करिए, वो इस समाज की क्रीम है, तो आप मेरे से फीस ले लेना। उन प्रिंसिपलों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वो फीस आधी ली। जोधपुर में भी जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया उन बच्चों के उन जो कोचिंग क्लासेस थी उनमें 50% फीस मेरे से लेते थे। तो वो एक था कि यार अगर ये स्कूल वाले जो स्वर्ण जाति की स्कूलें हैं, जो स्वर्ण जाति के कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर ये 50% अगर माफ़ कर सकते हैं तो 50% मेरे जेब से देने में क्या दिक्कत है। और मुझे ये लगता था कि मेरी औलाद तो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, लेकिन जो पढ़ने में बच्चा होशियार है वो मेरी औलाद है, और मैंने अपना बच्चा समझ के उनकी हेल्प करी। तो सर आपकी यहाँ सांसौर में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कौन सी पहली रही, कहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे? मैं 98 में फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा था, जब मैं आया तो उस टाइम 98 से। वो कहाँ से शुरू हुआ? और उस टाइम तो बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे, और मतलब वो 10-20-25-50 लोग होते थे मैक्सिमम। धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा कि नहीं यार जुड़ना चाहिए, फिर इस मामले में केसराम जी, नरसिंह जी परियार, जितने भी पहले रहे, पतुराम जी खुद रहे, अध्यक्ष रहे, तो जितने लोग जुड़ते गए तो वो चार चार दस दस जोड़ते ये फिर लोगों में एक, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती वहीं से शुरुआत हुई थी, जयंती मनानी नहीं, उससे पहले चल रही थी, उससे पहले जो मुझे ये बताया गया कि साहब 10-15 साल पहले से चल रही है, आपको इनवाइट किया? हाँ, मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया था और मैं वहाँ स्टेज पे था, तो मुझे हमेशा बुलाते थे, जब भी प्रोग्राम होता था तो मैं जाता था। तो मतलब यही लोग सक्रिय थे वे? हाँ, गिने चुने लोग थे, मतलब लाछड़ी के कुछ लोग सक्रिय थे, कुछ नरसिंह जी परियार, केसराम जी और पथुराम जी, तो ये लोग सक्रिय थे और सामाजिक स्तर पे अच्छा काम कर रहे थे। तो मुझे भी लगता था कि यार इन लोगों के साथ रह के और जो नीचे तबका है उसको कैसे आगे बढ़ाया जावे और उनकी उठाया जावे। अपने आसू जी सिंगल माठ साहब, जितने भी लोग जो जुड़े हुए थे,
तो मतलब आपकी सामाजिक कार्य में यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से लोकल लोग जुड़ने से, लोकल लोग जुड़ने से। फिर ये कड़ी कैसे शुरुआत हुई, अब आप यहाँ तक पहुँचे हो, अब का सफ़र और वहाँ से सफ़र में कितना फ़र्क है? मैं 9 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ हाल फिलहाल, मैं मेरे समाज का भी अध्यक्ष हूँ। मुझे पद की लालसा कभी नहीं रही। जो ये 14 तारीख का जो प्रोग्राम किया, मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ से प्रोग्राम से यहाँ आ चुका था, मुझे वहाँ कॉल करके बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आइए, वकील साहब नरेंद्र जी डांगरा हैं, उनका भी फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप आओ। मैं पहुँचा, मैंने कहा क्या बात है भाई, वापस क्यों बुलाया गया? कि नहीं डॉक्टर साहब, हम एक कमेटी बना रहे हैं। और हर साल इस तरीके से, मुझे ये पता नहीं था कि वो कैसे इलेक्शन किए जाते हैं। तो मुझे ये कहा कि साहब इस तरीके से हम अध्यक्ष बनाते हैं। मैंने कहा यार अब देखो, रजिस्टर्ड संस्था करावें और जो भी जो तरीका है, हम संविधान निर्माता के अगर अपने आप को भक्त कहते हैं और हम संविधान की पालना नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर इसमें से किसी को बनना है वो हाथ खड़ा करे, उसको प्रमोट करे। मैं नहीं बनना चाह रहा। लेकिन सर, 14 अप्रैल से पहले भी आप अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उसमें दो समितियां बनी हुई थी, सगनलाल जी अरणाई भी जुड़े हुए थे, आप भी थे, तो मतलब ये बिखराव कैसे हुआ? चुनाव आपका पहले हुआ था, फिर उनका हुआ था, दो टुकड़े कैसे हुए थे उसमें? देखो, जो हर साल की तरह जैसा बनाया जाता था उस तरीके से मुझे बनाया गया। और तब भी मैंने सब लोगों को कहा था कि यार इस तरीके से हो सकता है किसी के बनने की इच्छा हो तो जिसकी खुद की इच्छा हो उसे बनाया जावे। कहने डॉक्टर साहब आपके जो आइडियाज़ थे, जो तरीका था, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। आज तक इतने 40-45 सालों से चलती आई थी संस्था और रजिस्टर्ड नहीं थी, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, ये भी कर दिया, तो अब कम से कम आप थोड़ा एक बार इसको व्यवस्थित करें। ठीक है साहब। क्योंकि इसमें सर, जैसे आपने SC ST की भी वो करवाया था प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें भी विरोध हुआ, उससे पहले मेघवाल समिति ने ही करवाया था, तो लेकिन ये मतलब कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे मतलब कहा कि मैं SC ST का करवा सकता हूँ, वो सिर्फ मेघवाल ही करवा रही थी? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, जो मेघवाल युवा परिषद ने जो कराया कार्यक्रम, मैं उससे एक साल पहले जो इन्होंने कार्यक्रम कराया था, मैं उसमें गया था। मुझे नहीं, मुझे जब भी पता लगा कि कोई SC ST का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बिना इन्विटेशन के भी मैं गया हूँ। आप उन लोगों से पूछें, किसी से भी ऑर्गेनाइजर से, मुझे अगर इन्विटेशन नहीं भी दिया गया और अगर मुझे पता लगता था कि अपने लोगों का है, मैं जाता था, अपनी खुशी से जाता था। मैं कोई मान सम्मान या किसी तरीके से या स्टेज पर बैठने के लिए नहीं जाता था। हाँ, मुझे ये लगता था कि अगर कोई अपनी प्रतिभा है, समाज के बच्चे हैं, और अगर उनकी कोई मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, बस। उससे पहले सर आपने जन सुनवाई भी करी थी, तो काफ़ी लोगों का आरोप है कि जन सुनवाई तो सरकार का काम है, डॉक्टर सागर साहब कैसे कर रहे हैं, उसमें आप कैसे देख रहे हो? नहीं, जन सुनवाई नहीं है हमारा, जो गांव में गए थे वो, हाँ, वो जन सुनवाई नहीं थी, वो जन चेतना कार्यक्रम था। जनचेतना, देखो जन सुनवाई तो मेरा, मैं, हमारे पास तो क्या पावर है। हाँ, जन चेतना कार्यक्रम था, हमारे अधिकार क्या है। आज तक हम अपने अधिकारों की आज तक पता ही नहीं है, सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ये जरूर मैंने गांव-गांव में जाके कहा। और उसका करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो अपनी सावित्रीबाई फुले छात्रावास है, उसमें 5 OBC की लड़कियां थी, ST की, SC की एक भी बच्चियां नहीं थी, सांचौर में। और उस कार्यक्रमों का नतीजा ये रहा कि आज 50 बच्चियां हैं। जो आपने जनचेतना कार्यक्रम किया, आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हो? जब सरकार से हमने लड़ भिड़ के सभी के लोगों के, बाबूजी ने भी उसमें बहुत अच्छी पहल करी थी। मैं बताऊं, मैं बाबूजी की इसीलिए कदर करता था कि उनकी जो पहल थी वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी थी, हेल्प करने वाली थी। बाकी वास्तविकता, मैं कभी किसी मंदिर में जाके टंकोरे बजाना या हाथाजोड़ी करना, सॉरी भैया, क्योंकि मुझे जो कार्य दिया गया है, मेरे परिवार ने, मेरी आत्मा ने, मेरे शरीर ने, मैं उसमें ऑलरेडी इतना बिजी रहता हूँ। लेकिन सर, आप कह रहे हैं मंदिरों में नहीं जाता, लेकिन आप पे तो मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, विरोध जो करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज लिखते रहते हैं कि आप RCC से जुड़े हुए, इनको अम्बेडकरवाद का पता ही नहीं है, कैसे अध्यक्ष बना दिया, कहाँ का है, यहाँ का लोकल नहीं है। देखो साहब, अम्बेडकरवाद क्या होता है? अम्बेडकरवाद तो ये था कि पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान का संविधान, ये अम्बेडकरवाद है। हम गलत धारणा बना रहे हैं।
अंबेडकरवाद का मतलब ये कभी नहीं होता कि एससी एसटी ही उनके भक्त हैं। मेरे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे जो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के जवाई थे, मेरे परम मित्र थे, वो मेरे साथ रहते थे ब्राह्मण होते हुए, और वो जाके सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की बारह बजाते थे मेरे साथ रहते हुए कि ये डॉक्टर साहब, मैं रिजर्व कैंडिडेट, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों की बारह बजाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अत्याचार किया है और अभी भी किए जा रहे हो। उसकी वजह ये थी, हम उन लोगों को नहीं समझा पाए, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं समझा पाए। वो मेरे मित्र थे, हम घंटों बैठ के इस बात पे जिक्र करते थे और वो मेरे उन बातों से कन्विंस होके विरोध करते थे। तो उसका नतीजा ये रहा, हाँ इस तरीके से हमें अपना जो नेटवर्क फैलाना है, जिन लोगों में गलत धारणा है अंबेडकरवाद को लेके कि ये सिर्फ एस सी एस टी के फेवर की बात है, ऐसा नहीं है। हम जब उन लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को समझाएंगे, उनसे वाद संवाद करेंगे, तब उन्हें पता लगेगा। और आज की तारीख में कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरी विचारधारा से सहमत हैं। रही बात मुझे आरएसएस से जोड़ने की या मनुवादी कहने की, मैं भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट रहा, दो साल रहा, पूरी व्यवस्था करी। हम गांव में जाते थे, जिन बच्चों के चप्पल नहीं होते थे उनको चप्पल बांटते थे, जिन बच्चों के बुक्स नहीं होती थी उनको किताबें देते थे, क्या गलत कर रहे हैं। जिन गांव में पीने का पानी नहीं होता था, 600-600 टैंकर गर्मियों में, भीषण गर्मियों में वहाँ अगर पानी मैं पहुँचा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। वो सारी एक साल की योजनाएं बनाते थे, उन योजनाओं का ये फायदा रहा कि हमारे यहाँ पे भारत विकास परिषद के दो साल तक प्रेसिडेंट रहते हैं, मुझे तीन साल रखा गया। हमने सारे नियम बनाए, 15 अप्रैल तक आपका पूरा कार्यकाल हो जाता है, 31 मार्च तक आप हिसाब किताब दे दो, आप उसको सुपुर्द कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आज मैं राजस्थान का जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। अगर कहीं हमें कैंप लगाना होता है, मेडिकल कैंप लगाना होता है, टीम है पूरी काम करने वाली। हम किसे हेल्प करना चाह रहे हैं, गरीब असहाय को, और गरीब और असहाय कौन, वास्तव में एस सी एस टी, बाकी तो कौन है। तो मैं अपने झंडे को जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के मैं मेरे विरोधी क्यों पैदा करूं। मेरा उद्देश्य उन लोगों की हेल्प करना है जो पीछे रह गए। तो मतलब आरएसएस ज्वाइन की जो बातें चल रही थी वो एक मतलब अफवाह है, सरासर गलत है। आज तक मैं किसी भी आरएसएस के प्रोग्राम में जाके न तिलक लगाए न निकर पहना मैंने। हाँ मेरे मित्र जरूर है, मित्र तो हर कोई, और मित्रता है, बीजेपी में। हाँ मैं एडगेवार भवन भी गया हूँ, मैं आरएसएस के प्रोग्रामों में भी गया हूँ, मैं उनकी विचारधारा सुनना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से बहस करता हूँ। अगर मेरी हिम्मत है, अगर मेरी हिम्मत है और अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों डरूँ। सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता, मैं उन लोगों से जाके संवाद करना चाहता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं, हम घंटों रात रात भर बैठ के बड़े हॉट डिस्कशन होते हैं। मेरे घरवाले, मेरे भाई बहन, मेरे मिसेज कहती थी, मेरी वाइफ कहती थी कि आप झगड़ जाओगे आपस में। अरे झगड़ा किस बात का, ये अपना पक्ष रख रहा है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, हम दोस्त हैं, हम साथ पड़े हुए हैं। ये मुझे नहीं कन्विंस कर पा रहा है, मैं इसे कन्विंस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सच्चाई ये मानेगा, और कभी न कभी तो मानेगा। और उसका नतीजा ये रहा, मेरे 6 ऐसे ब्राह्मण दोस्त थे जो मेरे साथ रहे। ऐसे कई राजपूत थे, ऐसे कई चौधरी हैं, ऐसे कई विष्णु हैं जो अड़ के मेरे साथ खड़े हो सकते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लोग गलत हैं। हमें यही तो साबित करना है, हमें ये साबित नहीं करना है कि भाई तू गलत कर रहा है, हमें तो ये साबित करना है मैं सही हूँ, बस। सही है, मेरा भी यही मोटिव था कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो रात को जो बहस होती है आप उसमें खामोश रहते हैं, लेकिन बहस वो देखी नहीं जाती कि समाज की आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे पर्सनल तौर पे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन सर फिर मैं वापस इसी अध्यक्ष सेवा समिति पर आता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी अंबेडकर जयंती से पहले जहाँ पर अग्निशनाथ जी महाराज ने इस दोनों समितियों को खारिज कर दिया था, तो वो दूसरे सगनलाल जी के पक्ष के थे, वो उन्होंने वो खारिज कर दिया कि हम नहीं है देख, लेकिन वो आपके जो पक्ष के हैं लोग वो अभी भी आपको अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष मान रहे हैं, इसका क्या है। अब जो रजिस्टर्ड संस्था है उसका नियम है कि 2 साल का टेन्योर है,
इससे पहले हर साल बदल देते थे जो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं थी। जैसे एक साल हुआ मैंने कहा भैया अब और किसी को जिसको बनना है वो बने। मैंने मेरा टेन्योर पूरा किया, डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन में 2 साल हैं और अभी तक ये जो है ये शिशु अवस्था में है। अभी जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स थे क्या वो पूरे हो गए? क्या उन गरीब बच्चों की हम इस संस्था से हेल्प कर पा रहे हैं? क्या हम SC ST का एक प्रोग्राम कराने से हमारी सक्षम हो गए? नहीं हुए, क्योंकि मैंने मेरे एजेंडा बताए थे अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ, अगर आप सब लोग साथ होते हो ये काम करना है, इस तरीके से करना है। हमें रूपरेखा बनानी पड़ेगी, हमारे पास रूपरेखा बनाने वालों की कमी है। नेता बहुत आ जाएंगे लेकिन वास्तविक उस रूपरेखा को धरातल स्तर पे कैसे पार लगाया जाएगा? SC ST का सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह कराया, लोगों ने फोन कर करके कहा कि मत जाना, उससे कुछ हासिल नहीं होना। उससे आज किसी भी रूप में 2,500 लोग आए, जिन्हें राजनीति करनी वो आते, अच्छा होता वो 2,500 लोग और जुड़ते, 10-20 लोग और जुड़ते, 100 लोग 500 लोग जुड़ते, लेकिन वास्तव में अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो बोलूँगा मुंह पे बोलूँगा, किसी से डर नहीं लगता, मौत से कभी डरे नहीं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं दुनिया में किसी को मेरा दुश्मन नहीं समझता। जिस दिन किसी को दुश्मन समझूंगा उसी दिन मार दूंगा, ये मेरा बचपन से टारगेट रहा। क्योंकि दुश्मन में मेरा जो मेरे जो सोचे हुए काम है, अगर मैं उस दुश्मन के बारे में सोचूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, उस समाज का भला नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरा भला नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे दुश्मन के बारे में मैं मेरा दिमाग खपाऊंगा, सॉरी। इसलिए जीवन में किसी को दुश्मन समझा ही नहीं। जो लोग मुझे दुश्मन समझ रहे हैं, जो लोग गलत समझ रहे हैं, जो लोग मुझे समाज का मतलब बुरा समझ रहे हैं, वो लोग मुझे जानते ही नहीं। देखिए सर, अब ये विवाद कब खत्म होगा? विवाद तो देखो, जो कोर कमेटी है बनी हुई, जो उस दिन बनाई थी, उसमें से 3-4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने मुझे बनाया उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो समाज के अहित का था या समाज के विरोध में था और उन लोगों ने छोड़ा? सभी लोगों से हमारी हम अक्सर बात होती है और अभी भी कई कार्यक्रम हैं जो हमें इन फ्यूचर करवाने हैं। मैंने यही कहा था, जब भी ये कोर कमेटी बैठे मुझे कहे भैया अपने को कोई नहीं, धन्यवाद। तब भी मैं इन सामाजिक कर्मों में, जब मैं अम्बेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष नहीं था तब भी जाता था, बिना बुलाए जाता था, अब भी जाऊंगा। जब भी मुझे पता लगेगा, जहां मुझे पता लगेगा समाज के पास मुझे जाने से समाज का हित होता है, मैं जाऊंगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे जलील करेगा, मैं मान के चलता हूं यार, जब बचपन से टाटपट्टी के लिए जलील होते आए और अगर अपने ही आदमी जलील कर देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे मन में जज्बा है समाज को कुछ भला करने का, उठाने का, तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपको लोग जलील करेंगे। और ये होता आया है, ये बाबा साहब को भी जलील किया और सावित्रीबाई फुले को भी किया और सबको जलील किया। तो इस जलाल से डरने वाला मैं नहीं हूँ। सर, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि सागर साहब जन चेतना यात्रा भी कर रहे हैं, अम्बेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष लगातार बने रहते हैं, इनको इलेक्शन लड़ना है, राजनीति करनी है, इसलिए ये सब लोगों का श्रेय मांग रहे हैं। मुझे राजनीति करनी है या और किसी को भी करनी है तो कोई नहीं रोक पाएगा। दो भाई आपस में, एक कांग्रेस एक BJP में खड़े हो गए, मीणा, एक ही परिवार के दो भाई सगे, दो रिश्तेदार इधर उधर खड़े होते हैं, कई जगह पे सरपंचों में उसमें होता है। तो अब इस चीज को आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो? और राजनीति करो ना जिसको करना है, जो ताकतवर होगा वो राजनीति कर लेगा, कमजोर आदमी अगर राजनीति करेगा तो वो बेड़ा गर्क करेगा। इस समाज का बेड़ा इसीलिए गर्क हुआ कि कमजोर लोग जिनको बोलना नहीं आता, जिनकी समझ नहीं, जो खुद खिलौनों की तरह काम आते हैं, वो दूसरे का क्या भला कर पाएंगे? वो खुद अपने परिवार का नहीं भला कर पाते। हमारा उद्देश्य क्या है? राजनीति करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मुख्य उद्देश्य आपका समाज सेवा करना है, समाज का हित करना है, उन बच्चों की हेल्प करना है।
मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब शाम को 7 बजे का 8 बजे के बाद वो लोग काम के नहीं होते। मैं 8 बजे के बाद उन लोगों के पास जाता हूँ, कई लोगों के पास, उन मोहल्लों में जाता हूँ, भैया तू दारू क्यों पी रहा है यार, शराब क्यों पी रहा है, क्या तकलीफ है जो मैं मिटा सकूँ, बोल। अगर तेरे अनएम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैंने कितने ही बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, कितने ही बच्चों को सिखाया, काम सिखाया, जो कोई अगर कुछ नहीं कर रहा है कुछ भी धंधा कर रहा है। अभी जो हम कैंप लगाने वाले हैं वो मैं रोजगार कैंप लगाने वाला हूँ, कृषि कार्यों के लिए कैंप लगाने वाले हैं, इतनी सारी सरकारी योजना है। और अब आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, एक SC ST का सामूहिक विवाह कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो 25-50 हज़ार भी खर्च नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर वो 50 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात सोचेगा तो उसका या तो कोई गिरवी रखेगा या वो गहना बेच के करेगा, बर्बाद हो जाता है। उस नए जोड़े पे बिड़ते ही शादी होती है, उस पर वो कर्ज का बोझ आता है, वो मजदूरी करके उस कर्जे को नहीं चुका पाता, आखिरकार ये होता है कि उसकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके 10 टुकड़े हो जाते हैं, वो बेच देता है। तो ये एक कार्यक्रम सांचौर में हर साल हो, ये मेरी इच्छा है। और हमने जो कोर कमेटी ने मीटिंग करके हमने जो किया, सलाह की, गाँव में भी कई लोगों ने सलाह करी, उन्होंने डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, 20-25 रजिस्ट्रेशन हो चुके, लोगों ने अपनी सहमति दे दी कि अगर आप डॉक्टर साहब ऐसा करोगे हम आपके साथ हैं, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जोधपुर में हमने कराया था, 150 जोड़े थे, 10 से 15 हज़ार लोग थे, सर्व समाज के थे, SC ST के अलावा भी दूसरे लोग थे। तो क्यों ना हम ऐसी पहल उठाएं जिसमें कुछ गरीबों की हेल्प हो सके, क्यों ना हम ऐसा गांव-गांव ऐसी यूनिटी बनावें, जिस गांव में कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है उसको हम गोद ले लें। बाड़मेर में चला रहे हैं बुढ़िया साहब वगैरह, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, वो बच्चों को गोद लेते हैं, उन बच्चों को आगे, आज उस बच्चे को जिसके पिताजी 2-5 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, और अगर उसकी 5 हज़ार रुपये फीस दे के आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, जीवन में वो कभी नहीं भूल पाता। ये काम करने चाहिए वास्तव में, जो लोग बाबा साहब की बदौलत आगे बढ़ गए, उनके आशीर्वादों से आज साधन संपन्न हो गए, ये उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग पीछे रह गए उनको कैसे आगे लाया जाए। सर मतलब आप इतना समाज में सेवा भी कर रहे हो, मैं तो हॉस्पिटल में कितना टाइम दे पा रहे हो? ये तो देखो ऐसा है, पेशेंट परेशान तो होते हैं। ज़्यादातर ये है कि जब तक मैं अम्बेडकर सेवा समिति का अध्यक्ष नहीं था तब तक दूसरे समाज के लोग काफ़ी आते थे। अब उन दूसरे समाज के लोगों को ये लगता है कि मैं उनका विरोधी हो गया, और वो लोग जो अदर कास्ट के लोग हैं वो लोग भी मुझसे डरते हैं, मेरे से नहीं डरते, मेरे विचारों से डरते हैं कि मैं कहीं ना कहीं जाके उनकी कमियां उजागर करूंगा। इंसान डरता किस चीज़ से? इंसान डरता यह है कि अगर वो मेरी कमियां उजागर करेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, उस चीज़ से नहीं आते, कोई बात नहीं। मैं रिजर्व कैंडिडेट हूँ इसलिए अपने लोग भी ये सोचते हैं कि यार इसको ज्ञान कम होगा। हमारे लोगों में ये बड़ी भारी कमी है कि अपने लोगों को उस स्टैंडर्ड का नहीं मानते। जो लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं SC कैंडिडेट हूँ तब वो लोग आते थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं रिजर्व कैंडिडेट हूँ तो उनको लगा कि यार बरसों से, हाँ अब मैं जब गांव में गया उन लोगों ने कहा डॉक्टर साहब हमने आपसे इलाज लिया था और हम ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन तब हमें पता नहीं था कि आप रिजर्व कैंडिडेट हो। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास ज्ञान है और आप किसी को बांट रहे हो या किसी की सेवा कर रहे हो, मैं तो अभी भी कहता हूँ अगर नशा मुक्ति कोई शिविर लगाने हो, कहीं फ्री कैंप लगाने हो, अपने लोगों को हेल्प करो, हम आज ही नहीं, मैं हमेशा निःशुल्क सेवाएं करने का बहुत जुनून है एक तरह का। सांचौर में हमने कोविड सेंटर, एक कोरोना सेंटर शुरू किया था 2 साल पहले, मुझे लोगों ने कहा पागल हो गया है। ये वास्तव में पागलपन है कि जहाँ डॉक्टर्स घर बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दौरान जितने भी अपने गरीब लोग थे, जितने लोगों को हम बचा पाए, निःशुल्क सेवाएँ दी। तो सर क्या लग रहा है, आप 2023 सिलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, क्या आप सुनने में आ रहा है कि BSP से टिकट भी लेने वाले हो? देखो ऐसा है, बात
राजनीति की चुनाव की करनी भी नहीं चाहिए किसी भी मन से, और अंबेडकर सेवा समिति का जो मंच है वो राजनीतिक मंच नहीं है, आप अभी फिलहाल सामाजिक, उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे राजनीति करने का नुकसान ही होगा। हर 5 साल में सरकारें बदलती है, उस अंबेडकर सेवा समिति के उद्देश्यों की पालना नहीं कर पाएंगे। आज अगर कांग्रेस की सरकार है, अगली कांग्रेस आए, बीजेपी आए, जो भी आए, अगर मैं कांग्रेस से बायस्ड रहूंगा उस सरकार से, तो मैं उसमें काम नहीं करा पाऊंगा। इसलिए इस पद पे जो भी रहे वो अराजनीतिक विचारधारा का होना चाहिए, जिसको राजनीति से मतलब नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ जो जिस पार्टी में बरसों से जुड़ा हुआ है वो रहे, कांग्रेस वाला कांग्रेस में रहे, बसपा वाला बसपा में रहे, बीजेपी वाला बीजेपी में रहे, लेकिन जहाँ सामाजिक उत्थान की बात आवे, जहाँ समाज हित की बात आवे, वहाँ एक मंच पे आ जाओ आप, वहाँ ये विकराम मत करो आप अपने पावर पे डिपेंड करता है आप किसे कन्विंस कर पाओ। ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अपने 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 स्टंट आजमाती है, आप भी आजमाओ। मैं इतने सारे नेताओं के साथ, कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ रहा हुआ हूँ, आप मेरे से सलाह लो, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है, क्या करना होता है। हम क्यों नहीं अपने लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, क्यों एक बंदा अकेला भागता है, क्यों ऐसा होता है? एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक साथ नहीं होगा, जब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, और वो जुड़ाव तब होगा जब आपके विचार अच्छे होंगे। सर फाइनली सवाल लास्ट है, अब ये बिखराव जो हो रहा है, अब कब आप पहल करोगे कि इन सबको साथ लेके चला जाए? जो रात को अक्सर व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ होती है, मैसेज होते हैं। नहीं, मैं कई बार गया था बाप जी के पास, और बाप जी ने भी उस टाइम यही कहा था कि डॉक्टर साहब मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कभी इसमें नहीं करता हूँ। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने ये कहा कि बाप जी ने उसको बर्खास्त कर दिया। अंबेडकर सेवा समिति किसी एक समाज से संबंधित नहीं है, इसमें 19 जातियां हैं, और उन 19 जातियों को पहली बार हमने सबको साथ लाए। उन लोगों को कहा, उन लोगों ने, डॉक्टर साहब आज तक हमको किसी ने बुलाया ही नहीं, कौन बुलाएगा? हमारे अधिकारों के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। अगर आपको प्यास लगी है, कोई पिलाने वाला नहीं है भैया, तो उठ के जाके आपको पीना पड़ेगा। उसका नतीजा ये रहा कि सारे समाजों में ये जागरूकता आई, और उस जागरूकता का फायदा ये रहा कि सांसी समाज भी है, ग्वारिया समाज भी है, उन बच्चों को पहली बार हम पकड़ पकड़ के लाए, उनको प्राइज दिया, सम्मानित किया। हाँ, अब जीनगर समाज है, जो बड़े समाज हैं, और भी समाज हैं, मेघवाल समाज सबसे बड़ा समाज है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें, अगर हम उन्हें छोटा भाई समझें, तो छोटे भाई को भी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा साथ लेके, उनका सपोर्ट करके करना चाहिए, हौसला करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। क्योंकि किसी भी एक समाज के जरिए न तो राजनीति हो सकती है, न आप अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हो, नहीं कर सकते आप सेवा करोगे। मैं मेरे समाज में खूब कैंप लगाता हूँ, खूब करता हूँ, खूब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे समाज के, वो मेरा निजी हित है, मेरा निजी स्वार्थ है कि यार मेरे समाज के बच्चे आगे पढ़े। लेकिन जब मैं भी समाज की बात करता हूँ, तो मुझे मेरी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि उन बच्चों के बारे में भी सोचा जाए जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और अगर उस 100, 200, 500 में से एक भी बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आपने कहा कि गणेश नाथ जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने आपकी जब बातें मानी, तो क्या लग रहा है उन्होंने क्या बोला कि इन सबको इकट्ठा करना सही और फिर से मतलब अंबेडकर सेवा समिति का पुनरूप किया जाए? देखो, उन्होंने अपनी जो परिस्थिति जो सबके सामने मुझे बताई थी, वो ये परिस्थिति थी कि जो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें अगर वो सच बोलेंगे तो वो प्रोग्राम में ब्रेक लग जाएगा। तब मैंने बाबूजी को कहा था, मैंने कहा बाबूजी जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, जो मेरे काम से सहमत होंगे, वो साथ आएंगे।
आज मैं अम्बेडकर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, अगर अध्यक्ष नहीं भी हुआ मैं किसी और जरिए से हेल्प करना चाहूँगा। मैं अम्बेडकर सेवा समिति का नहीं था, मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष था तब भी ये काम करता था, मैं और किसी संस्थाओं का अध्यक्ष था तब भी यही काम करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो सारे डॉक्टर्स मैं जैसा कहूँ वैसा करेंगे, लेकिन वो कब तक, जब मैं सही बात करूँगा। अगर मैं अनैतिक बात करूँगा वो नहीं मानेंगे। तो नैतिकता की जहाँ बात आती है, जहाँ वो नैतिकता की बात करेंगे, जो सच्ची बात है। आज अगर कोई भी धरने पे बैठता है और मैं बिना सोचे समझे उस धरने पे जाके बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करूँगा। सच्चाई पता लगे, वास्तविकता क्या है। अगर हमारे साथ अत्याचार है, अन्याय है, हम साथ हैं, हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम उसे एडवाइस करेंगे, हम उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। लेकिन आंख बंद करके मैं उस गांव के लोगों को बिना पूछे, उस गांव के जो बुजुर्ग हैं, पंच लोग हैं, जो अपने समझदार लोग हैं, उनकी बगैर सलाह के ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसमें उस गांव के लोगों का रहना आराम हो जाए। कई बार ऐसा होता है मैं जाऊँ वहाँ दो कड़वी बात बोल के आऊँ, और अगर उस गाँव में मैं जहर घोल के आ जाऊँ वहाँ के लोगों का जीना आराम हो जाता है। मैं कई गाँव में गया, वो बोले डॉक्टर साहब आज तो आप बोल के चले जाओगे, आज तो आप ठाकुर साहब के पास बैठा दोगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे आज तो बैठो, हम गलत बात नहीं कर रहे। मैं कई जगह ठाकुरों को कहता हूँ आज आप इन लोगों को पास बैठाओ, क्योंकि कल इनके जब बच्चे बढ़ जाएंगे, पढ़ जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, वो आपके यहाँ नीचे नहीं बैठेंगे। इससे अच्छा आप खुद गले लगाओ। मैं बैठ रहा हूँ ना, मैं भी रिजर्व कैंडिडेट हूँ। हाँ, मुझे इस बात का कभी घृणा नहीं होती कि मैं रिजर्व कैंडिडेट हूँ। इसका नुकसान जरूर होता है, 100% नुकसान है। लोग कहते हैं जातिवादी प्रथा खत्म हो जाए, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये और दिनों दिन बढ़ेगी, बढ़ेगी, कड़वाहट बढ़ेगी, आपस में द्वेष बढ़ेगा, और बढ़ेगी, मजबूत होगी जाती है। जो जो जितना ताकतवर है वो राज करेगा, जो जितना जिसको बेवकूफ बना सकता है। कई जगह पे ऐसा होता है हमारे लोगों को सिर्फ यूज किया जाता है। दो भाई अगर आपस में झगड़ रहे हैं, वो घर में बैठ के उसका समझौता नहीं कर पाते। तीसरा एक आदमी कोई ठाकुर साहब या और किसी अदर कास्ट का जो स्वर्ण जाति का आता है, वो बात कहता है, उसकी बात मान ली जाती है। उन भाइयों में प्रेम नहीं रहता, उन भाइयों में प्रेम नहीं रहता। मेरे पिताजी ने सिखाया बेटा घर का झगड़ा घर में रहना चाहिए। उसका नतीजा ये रहता है कि कहीं ना कहीं मन में एक टीस रहती है एक दूसरे को गिराने की, और जब वो टीस गिराने की रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपना तो ये है, ये कारवा चलाया अम्बेडकर सेवा समिति, इससे पहले सिवाय एक जुलूस के कुछ नहीं करती थी। अब अम्बेडकर सेवा समिति के बहुत सारे काम हैं जो मैं इस सेवा समिति के माध्यम से करना चाहता हूँ। लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और सभी समाजों को एक करना चाह रहा हूँ, ये उद्देश्य है मुख्य। बिल्कुल सर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 Live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 Live, सदैव आपके साथ।